अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहनें भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। जैसा कि मैंने अपने पहले व्लॉग में बताया था कि मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो चुकी और मैं अपनी अम्मी के घर गई थी कपड़े वॉश करने के लिए, तो करके मैं लेके आ चुकी हूँ। जो मैं वॉश करके गई थी हैंड वॉश, वो कपड़े तकरीबन खुश्क हो चुके हैं, तो अब ये जो लेके आई हूँ इनको भी लाऊँगी, यहाँ पर ये डाल दूँगी सारे। और तकरीबन पहले वाले जो धो के गई थी वो खुश्क हो चुके हैं, उनको कुछ को उतार दिया है और कुछ अभी नहीं उतारे। तो इधर ये चारा पड़ा हुआ है, इन सबको ना हमने लगानी है आग खुश करके, तो ये हमारे लिए खाद का काम करेंगे और मिट्टी भी बन जाएगी इससे। इधर मैं बेटा डाल रहा था बनी इसको चारा वगैरह। ये छोटे बच्चे हैं, इनको अलग कर दिया क्योंकि आपस में बहुत ज़्यादा इनकी फाइटिंग हो रही थी, खरगोश की भी, खरगोशनी की भी और बच्चों की। तो इन तीनों को हमने अब अलग अलग कर दिया है, तो इन सब का अलग अलग घर है। छोटे अलग कर दिए हैं और जो बनी था हमारा पहले वाली उसको हमने अलग कर दिया क्योंकि वो ज़ख्मी हो गई थी थोड़ी सी, तो इसलिए उसको भी अलग कर दिया है। और अब इसको भी चारा डालेंगे। और ये है दूसरी तरफ, ये बनी है हमारा जो पहले थी हमारे पास, तो इसको भी चारा डाल दिया। अब डालेंगे हम अपने खलनायक को खारा चारा। तो ये तो सिर्फ बाहर ढूंढता है जगह, मुझे बाहर निकालो, मैं किसी ना किसी को पकड़ूँ। खैर से तो इसे चारा डाल दिया, मैं जाने लगी थी नीचे, तो मैं बेटा कहने लगा कि मम्मा दो मिनट ठहरे, चारे को कवर कर लूँ पहले। तो इसने चारे के ऊपर कपड़ा डाल लिया और उसको गीला कर दिया। इससे पूछा तो ये क्या काम है, इसको क्या क्यों किया ऐसे, तो कहने लगे ऐसे ना चारा ठंडा रहेगा और शाम तक सब्ज रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो नीचे आ चुकी थी, तो बेटे ने जाना था बच्चों ने स्कूल, तो बेटी को पहले शावर दिलाना है, मैंने इसको भेजा पहले वाशरूम का, आप शावर ले लो, उतनी देर में मैं नाश्ता वगैरह रखूँ। तो चाय रखने लगी हूँ साथ में रखूँगी रोटियां बनाने के लिए, तवा वो भी गर्म हो जाए, और चाय भी रख दी है मैंने। तो कावा पहले बनाया थोड़ा सा, और बिल्कुल हल्की पत्ती वाली चाय मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। दूध डाल दूँगी और बाकी के काम, आटा निकाल चुकी हूँ ताकि रूम टेम्परेचर पे हो जाए। इसके साथ साथ मैंने लगानी थी मैदानी आज, तो उसका भी साथ साथ काम कर रही हूँ। इधर मैंने गड़वी रख दी है, उसके मशीन लगा दी है, और ये भी काम मेरा एक साथ ही हो जाएगा। तो इसमें डालने के, ठंडा बहुत ज़्यादा था तो मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, उसको भी चेक करने लगी थी गर्म हुआ कि नहीं, लेकिन थोड़ी सी कसर थी, ज़्यादा गर्म हो जाए तो फिर डालूँगी। चाय ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, तो चाय बन चुकी है, पानी गर्म है, इसको मशीन में बाद में डालती हूँ। पहले मैं अपनी बेटी को कपड़े चेंज कर दूँ, इसकी यूनिफॉर्म पहना दूँ, उसको रेडी किया है। और ये शॉपर कटिंग करके ना इन्होंने अपर बनाई हुई थी कि मम्मा हम जैकेट डालने लगे यूनिफॉर्म के ऊपर से, ये अपना यूनिफॉर्म रेडी कर रही है, तो ये अपर डाल रही है। खैर बच्चे तो कोई ना कोई मौका ढूंढ लेते हैं खेलने के लिए, तो इसने ये अपर बनाई है। और ये इसमें मसरूफ़ थी, तो मैं लगी थी अपने काम करने, जल्दी से मैं फिर किचन की तरफ गई हूँ और अपना जो काम था बाकी पेंडिंग छोड़ा हुआ नाश्ते का उसको किया कवर। अभी पहले पानी डालूँगी मैदानी में और उसको ऑन कर दूँगी, और वो काम मेरा लास्ट पीरियड तकरीबन होने वाला ही है। बाकी काम सारे साथ साथ चल रहे हैं, बच्चों को नाश्ता दिया है, उनको नाश्ता साथ करवाया, उनके लंच बॉक्स रेडी किए हैं। सुबह सुबह इतना कम टाइम होता है और इतने ज़्यादा काम होते हैं, इतना बर्डन होते हैं कि हर तरफ भागन दौड़ लगी होती है। और आज सब बच्चों ने शावर लेके ही जाना था स्कूल, तो इसीलिए सबको शावर दिलाया, और तो मेरे धानी का काम भी मुकम्मल हो चुका है। इसको साफ़ करूँगी, नीट करूँगी और बाकी के काम करके मेरे बाद में करूँगी। आज सिर्फ इतना ही, सुबह सुबह मैंने व्लॉगिंग की थी जो आपके साथ शेयर की है। आई होप आप सबको पसंद आई हो, जिन सिस्टर को मेरा चैनल पसंद आया हो, व्लॉग पसंद आया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।